नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अभी आरएसपी का रिजल्ट आया है, कट ऑफ बिल्कुल अप्रत्याशित गई है उसकी। किसी ने नहीं सोची थी, ना ही किसी ने यूट्यूब पे बताई थी इतनी, लगभग कम ही 90 के आसपास बताई थी। और उम्मीद भी ये थी, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कट ऑफ को देखते हुए। लेकिन जिन साथियों के जैसे पिछली बार कुछ एग्जाम थे, उनके क्वेश्चन जिनके आंसर अलग थे, इसमें अलग थे, कुछ के डिलीट कर दिए, जो बॉर्डर पर हैं कट ऑफ के, उनको रिट लगानी चाहिए। और उन कुछ साथियों मैसेज भी आ रखे थे कि रिट लगवानी है, किससे संपर्क करें। या तो उनके जो भी ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि अपने साथ की क्वेश्चन तो पता रहता है कि यह था, लेकिन उसका जो ऑथेंटिक होता है सोर्स वो नहीं है। तो एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास ऑथेंटिक सोर्स भी होते हैं, जैसे एनसीईआरटी होती है या पुराना पेपर होता है उसका, ये रेफरेंस देते हैं, उसी के हिसाब से ये रिट लगाते हैं। वो रिट लगाने का फ़ायदा एक ये हो जाता है कि अपन बॉर्डर पर हैं, तो अपन वो उसमें जो पिटिशनर होते हैं केवल उन्हीं को इन्वॉल्व कर देते हैं कि आप इन इनकी टाइप वो रिटर्न इनका प्री क्लियर करो और इनका मेंस लो। पिछली बार भी हुआ था ऐसा, इसमें भी है, मेंस ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लेकिन ये है कि अगर जो क्वेश्चन है लगभग जिन आपने अपने अकॉर्डिंग काउंट कर रखा होगा कि कौन से क्वेश्चन पर अपन को लगानी है, कितने आप उसके कट ऑफ के दूर हो, तो जिन साथियों को लगानी है आप, मैं नंबर दे रहा हूँ मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे फ़ोन कर लेना या मेरे को कॉल कर लेना, तो आपके का जो रेट है आप लगाना चाहते हो उनकी रेट लगवा दी जाएगी। और अगर आप बॉर्डर के आसपास हो, कट ऑफ के आसपास हो, तो ही आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि का 5-10 नंबर पीछे हो आप, 10-12 नंबर पीछे हो, फिर आप लगाने की सोच रहे हो, तो वो नहीं है। ये केवल क्वालिफाई है, ये इसमें रिटर्न के नंबर भी, इसी के जो प्री है उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, इसीलिए आपको ये है। तो जिन साथियों को लगवानी है, आप, मैं नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप संपर्क कर लेना, बात कर लेना, और कौन से क्वेश्चन है वो भी बता देना। क्वेश्चन लगभग अलग कर लिए हैं कि ये इन इन पे आपत्तियाँ लग सकती है, जो डिलीट हुए हैं उन पे भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि जो डिलीट हो गए उन पे नहीं लग सकती। अगर आपका सही था, डिलीट कर दिया आरपीएससी ने, तो भी आप उस पे भी लगा सकते हो। तो ये थी आरएसपी के रिगार्डिंग, जो रिट लगाने का ये था। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।